फाइनली अभी हम पहुंच गए हरिद्वार के स्टेशन पे। हे गंगा भैया, बस 9 CR का प्लेसमेंट। हर की पौड़ी में सभी नहाते हैं ना, हरिद्वार की नदियों में तो सिक्का कोई नहीं फेंकते हैं। मेरे पास भी एक का सिक्का है भाई। से हमने जोकी का चड्डी ले लिया 40 रुपए में। शाम के 5:30 बजे रहे और उनको आपको यहाँ का फेमस गंगा आरती दिखाते हैं, जो भी चालू हो गया हमारे पीछे। हम पे अपना लग गया ए हमरा ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज 26 जनवरी, तो सबसे पहले सबको जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगर हमारे मम्मी पापा देख रहे हैं तो हम माफी चाहेंगे इसके लिए, हम बिना बताए हरिद्वार जा रहे हैं। थंबनेल टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा, लेकिन इसके जिम्मेदार ये 1 2 3 लोग हमको जबरदस्ती ले जा रहे हैं। हम मना किए तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन रात को 12 बजे ये लोग बोला जाना होगा। मम्मी पापा से हम क्षमा चाहेंगे, अगर हमको उधर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार ये 3 लोग है। अगर अभिषेक को कुछ होता है तो मैं बसौनी का रहने वाले के नाम पे सारा जायदाद कर देंगे। तो हम माफी चाहते हैं, हम बिना बताए जा रहे हैं, उसका रीजन यही 3 लोग हैं। तो अभी हम फिलहाल थंबनेल टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि हम जा रहे हैं अपने कॉलेज लवली से सीधा हरिद्वार। सुबह 7 बज रहा है, धुंध देखो कितना ज्यादा, ये हमारा कॉलेज दिख भी नहीं रहा है। हमारा एक दोस्त आ रहा है हॉस्टल से, उसी के लिए हम यहाँ पे रुके हैं। हमारा ट्रेन ठीक आधे घंटे बाद फगवारा से, हमें लग रहा है छूट जाएगा। ट्रेन खुलने में और 15 मिनट है, लेकिन इसको देखो कितना आराम से आ रहा है। यही है हमारा दोस्त हॉस्टल। जल्दी जल्दी देखो, देखो कितना आराम से आ रहा है, देख रहे हो। देखो आज बाबू ट्रेन छोड़, अरे इतना लेट करके आपको क्या लगता है, आप हरिद्वार घूम लीजिएगा। लेकिन यहाँ बस ही नहीं है, ऑटो से जाना होगा, ऑटो भी फुल है। तो बस वस नहीं आया, सीधा ऑटो धर के हम जल्दी आएगा। ये हम पहुँच चुके हैं फगवारा रेलवे स्टेशन, हमारे कॉलेज सबसे पास रेलवे स्टेशन यही है। हम ट्रिप में अचानक से इसलिए जा रहे हैं ना, हमारा 3 दिन का छुट्टी है। 26 जनवरी आज है तो आज भी छुट्टी है, 27 कल सैटरडे है और परसों संडे है, तो 3 दिन का छुट्टी है, इसीलिए हम जा रहे ट्रिप पे। 3 दिन क्या ही करते भाई। ये लोग दबा के सोते, लेकिन हमें क्या बाबा, हम तो कुरकुरे खाएंगे। जो सोएगा वो खोएगा, जो खोएगा जो सोएगा वो खोएगा, हम तो चिप्स खाएंगे। समोसा खा रहे हैं फाइनली। अभी हम पहुंच गए हरिद्वार के स्टेशन पे, आपको स्टेशन दिख रहा होगा। स्टेशन से निकलते ही आपको इतना खूबसूरत मूर्ति का दर्शन होगा भाई। और ये रहा दूसरा महादेव का प्रतिमा, स्टेशन से निकल के ही आपको 2 प्रतिमा देखने को मिलेगा और एक ये क्लस। और स्टेशन से निकलते ही हम सीधा निकल रहे, मालूम है हर की पौड़ी के लिए हम यहाँ से ऑटो ले रहे और सीधा पहुँच जा रहे हर की पौड़ी। वहाँ पे पहुँच के वहीं पे हम अपना होटल रूम लेंगे भाई। यहाँ से ऑटो में 20 रुपए में ही बस पहुँचा देगा, लेकिन आपको स्टेशन से बाहर जाना होगा, स्टेशन के बीच में नहीं मिलेगा। ये हमें ऑटो मिल गया हर की पौड़ी के लिए 20 रुपए पर सवारी। यहाँ पे हमें मस्त एक रूम मिल गया, आपको अपना रूम टूर करवाते हैं। तो ये हमने रूम लिया है, मस्त ये रूम है, 2 बेड है इसमें, हम लोग 5 लोग है ना। एक बेड वहाँ पे है विकास के सामने, 2 बेड यहाँ पे है, मतलब टोटल 4 बेड है, छोटा छोटा, आराम से 5 लोग बैठ जाएगा। वॉशरूम भी क्लीन है, लाइट भी है भाई, पूरा पैसा दिया है। ये रूम का प्राइस हमें 1200 रुपए लगा, इसमें हम 5 लोग रह रहे हैं तो 1200 में ठीक है भाई, 5 लोगों के लिए एकदम घाट पे। आपको हम छत का व्यू दिखाते, इतना खतरनाक है ना पूछो मत। बस हम यहाँ पे अब अपने होटल, ये पीछे जो दिख रहा है ना, यही है हमारा होटल एकदम, आपको हर की पौड़ी घाट जो है ना वहीं पे लिया है हमने होटल। अब हम जा रहे हैं एकदम नहाने, मस्त हमारे सारे भाई देखो रेडी हो गए, गमछी तावल लेकर। देखो जोकी का चड्डी खरीद रहा है भाई हमारा, 1 नंबर साइज अच्छा है बाबा। हाँ इसमें ले लो, कितने का है? 50 रुपया भाई। से हमने जोकी का चड्डी ले लिया 40 रुपए में, एकदम देख रहे हो हर की पौड़ी घाट में आपको मिल जाएगा अंडरवेयर का शॉप, बहुत दुकान है। देखो एक और यहाँ भी नदी है, यहाँ पे श्राद्ध हो रहा है, देखो सभी श्राद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ हम नहीं नहा सकते। और इस साइड आप आओगे तो इस साइड बड़ी नदी है, इधर नहाते हैं। और जितने भी हम रुद्राक्ष वगैरह जो फेसबुक पर देखते हैं ना, जो करोड़ बाबा लोग होते हैं, वो जो पत्थर से पिंक पानी निकाल देते हैं, वो सब हमें निकाल देंगे, वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लाइन से सारे दुकान, देखो यहाँ पे वो काम चल रहा है, इसको रगड़ने से रुद्राक्ष निकलेगा। अंकल जी कितने का है? 50 का 1 है, 50 के 2 है। इसको छीलने के बाद देखो रुद्राक्ष, पुराना पुराना वहाँ पे देखो सिक्का भी है, निकाला जाएगा समझे। 3 मुखे है ना,
तीन ब्रह्मा जी का तो ब्रह करना है लास्ट प्रोसेस और उसके बाद वो तैयार हो जाएगा। हे गंगा भैया बस 9 CR का प्लेसमेंट। बाप बहुत ठंडा है बाबा। बाप रे बाप हो गया हो गया। बहुत ठंडा है भाई भगवान के दया से। इतना ठंडा में ना है 9 CR का प्लेसमेंट। जय श्री राम जी। ओ शेर के ए आराम से गिरना नहीं है। बहुत ठंडा है भाई। अबे बहुत आराम से आराम से। कैसा है ठंडा बाबा? ठंडा ऐसा ठंडा है आपको। पानी पूरा एकदम चिल्ड है एकदम। ये देखो वहीं से शिवलिंग में पानी चढ़ा दे रहा है। जियो से 9 CR तो कहीं नहीं गया। चला अभी गिरा था फिर जा। आराम से जाओ आराम से आओ भाई। बहाव इतना तेज है पूछो मत। खूबसूरत तो लग रहा है लेकिन बहुत ठंडा और बहुत बहाव तेज है। सवार का ठंडा भाई पूछो चाहे मत। देखो अभी नहाया था अभी सूख गए लग ही नहीं रहा है। थोड़ी देर पहले नहाए थे। ये अभी चल रहा है जनवरी का मंथ। सबका हालत खराब है। बबुआ तो बहते बहते बच गया अभी डूब जाता। गिरा इतना जोर से ना। जियो शेर। विकास मस्त टीका लगवा रहा है एक नंबर भाई। देखो सब कर लेना टीका मारे ना बीटेक मत करना। हाँ बीटेक मत करना। एक नंबर देख रहे हो बाबा का भी टीका हमारा रेडी हो गया यूनिक एकदम। पहले भाई प्लस साइन बनाया तो हमको लगा जीसस का साइन बना रहा है। क्रिश्चियन बन जाएगा। मस्त व्यू आ रहा देख रहे हो। शानदार लग रहा है खूबसूरत। भाई का हमारा देखो गाल और पे भी त्रिशूल मार दिया था लेकिन सब हटवा लिया। सब इसका मजाक उड़ा दिया। तू कहाँ से सीखा इतना खतरनाक बनाने का? खुद ही सीख लेते ना टैलेंटेड हो। 10-12 सीख गया तुम्हारा। मिटल स्कूल ऑफ आर्ट से नहीं। अरे बना लो बनवा लो। देखो त्रिशूल अभी कैसे निकलेगा। शेर शेर चीता ही कह दे ऐसा वाला टीका यहाँ पे कर। अरे दोनों एकदम शादी हो गया। कान साफ करवाया लगा बाबा हमारा। ठीक है तुम्हारा ठीक है। मैं थोड़ा एक बार और चेक कर लीजिए। बहुत कम सुनता है। क्या है गाली देते सुनता है? 50 काटेगा। मस्त नहा धोवा कर हम एकदम मस्त रेडी। पीछे आपको दिख रहा होगा ये हरिद्वार का सबसे फेमस घाट है। इसका नाम है धनुष पुल। ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है एकदम राम जी का जो धनुष है उसी साइज का है। अब जो है ना यहाँ पे गंगा आरती शुरू होने वाला है जो कि एकदम वहीं पे होगा। वो आपको दिख रहा है ना वहीं पे गंगा आरती होगा। तो उसके पहले हम कुछ खा लेते। बहुत जोर से भूख लगा भाई क्योंकि गंगा आरती 1 घंटे से ज्यादा का होगा मेरे ख्याल से। ये देखो यहाँ से आपको सामने से दिख रहा होगा ये धनुष पुल और यहाँ पे होगा शायद गंगा आरती। भीड़ देखो अभी सही लगने लगा। भूख बहुत तेज लगी है भाई तो चलते हैं पहले कुछ खाने क्योंकि भूख से हम रह नहीं पा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में गंगा आरती भी होगा तो जल्दी से खाते हैं और गंगा आरती देखने जाना है हमें। देखो ये जो दुकान दिख रहा है ना ये मतलब हरिद्वार का बहुत फेमस दुकान है। चारों तरफ पहले आप देख लो ये हरिद्वार नदी वहाँ पे है हड़की पौड़ी और इसी के सामने ठीक ये दुकान है। हम भी मतलब यूट्यूब पे देखे आज खा के देखते हैं कैसा है। भाई दुकान के अंदर चलते हैं खाने। देख रहे हो भीड़ कितना है अंदर भी। इसीलिए इसका प्राइस है 4 पूरी का 100 रुपये। महंगा है भाई थोड़ा। शाम के 5:30 बज रहे हैं और उसको आपको यहाँ का फेमस गंगा आरती दिखाते हैं जो भी चालू हो गया हमारे पीछे। हम थोड़ा लेट हो गए भाई भूख लगा था तो खाने चले गए। तो आपको दिखाते हैं ये देखो गंगा आरती। भीड़ देखो कितना ज्यादा है।
शाम के 7 बज रहे हैं, अभी भी लोग देखो नहा रहे हैं। नहीं, इतना साफ पानी है ना, पूछो मत, बहुत खूबसूरत नजारा है। कैमरा में उतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे हुआ था आरती उसी जगह पे, यहाँ से भी देखो क्या ही खूबसूरत लग रहा है शाम को। भीड़ आरती खत्म होने के बाद भी इतना भीड़ बचा है अभी भी। ये है एकदम यहाँ का मार्केट, भीड़ देखो भाई कितना ज्यादा, चारों तरफ एक ही नहीं चारों साइड देखो, आरती खत्म होते ही एकदम भरदर मची है। और ये सारे इधर दुकान है खाने पीने का, यहाँ का पूरी सब्जी के लिए फेमस दुकान है। और ये रहा दुकान का नाम है मोहन जी पूड़ी वाले, एकदम आपको मेन लोकेशन पे मिलेगा, देख रहे हो यहाँ का फेमस पूरी। हम अभी ट्राई कर रहे हैं, सब बैठ गए हमारे मित्रगण, रिव्यू ले लो राजा कैसा है। आदर्श ठीक है ना, विकास कैसा है, कैसा है? मेन बात थोड़ा महंगा है, 100 रुपया में 4 पूरी भाई बहुत महंगा है। और टेस्ट हाँ भैया कद्दू डाला। हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ का फेमस कचौड़ी, कचौड़ी कैसा है विकास? कैसा है राजा? बहुत सभी का रिव्यू इसका यूट्यूब पे, कौन रिव्यू अच्छा दिया हमको समझ में नहीं आ रहा, सब तो गंदा ही लग रहा ना। तो अच्छे बनाया जाता है यहाँ पे पूरी, और भीड़ देखो बाहर। अब हमने थोड़ा दिया खरीदा है, तो हम भी आरती का समय बहुत भेजता है, तो अभी देखो आरती हो गया खत्म, थोड़ा खाली है भाई। तो अब हमने भी ये दिया खरीदा है, इसको हम यहाँ पे पानी में डालेंगे और ये जलते जलते उधर जाएगा। वो जा रहा देखो हमारा दिया, वहाँ तक चला गया भाई, ये देखो दिख रहा है, ये जा रहा है हमारा दिया सबसे आगे। होटल का की देखो भाई कितना, मतलब कितना एक्सपेंसिव लग रहा है, देख रहे हो एकदम रॉयल लुक। होटल गंगा धाम हरिद्वार, कांटेक्ट नंबर यहाँ पे है हमारा होटल। वैसे हम पे अपना लग गया है, ए हमरा ना ये लोग अपना काम के फेरा में लग गया। बस खाना पीना खाकर हम अभी एकदम घाट के किनारे बैठे हैं, ये लोग मस्त अपना एंजॉय कर रहे हैं। देखो पानी उठा उठा के उसको फेंक रहे हैं। रात में जो नहाएगा 100 रुपए इनाम से दिया जाएगा। हार्ट अटैक आ जाएगा भाई। रात को देखो अब शांति हो गया, सभी अपने रूम गए क्योंकि ठंड जो है बढ़ गया है भाई। हम भी चलते थोड़ी देर में रूम, सोचा भाई थोड़ा घाट पे बैठ लेते हैं। वैसे ये बता दें ये टीका हमारा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, तो बस जाए सीधी राम बस लिख देना। चाचा हम लोग को परेशान करने आ गए, देखो दारू पी के पैसा मांग रहे, कहाँ से रेस्टोरेंट है, हम दारू पीने के लिए तो पैसा नहीं देंगे भाई। मां काम करूंगा तेरे, हम यही यार। नहीं बाबा अभी कोई हमारे जानकार में तो नहीं है, हम लोग घूमने आए हैं यहाँ, स्टूडेंट हैं। हाँ बाबू हम काल आया हूँ, जोर लगा हम मजाक कर रहा, देख रहे हो बाबा को लपेट रहा, सब कॉमेडी कर रहा है, सब लोग हंस रहे हैं, आप भी हंसिए, कर रहे हैं बाबा हमारे साथ, पूरा दारू पी के फूल है एकदम। रात के अभी 10 बज रहे हैं, तो मस्त अभी हम रात के 11 बज रहे हैं, मस्त अभी हम रूम पहुंच गए, खाना पीना सब कुछ हो गया, तो अब हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि कल भी हमें हो सके तो कल हम नीम करौली बाबा कैची धाम जाने वाले हैं। आप लोगों से बहुत से लोग नाम सुने होंगे, वो मालूम है कहाँ पे है, सौरभ जोशी को जानते होंगे आप, वो रहता है हल्द्वानी में, तो उससे बस थोड़ा सा ही आगे नीम करौली बाबा का मंदिर कैची धाम, तो हो सके तो हम कल वहां जाने वाले हैं। तो आज जल्दी सो जाते हैं, कल हमें हरिद्वार में 2-3 मंदिर है वो भी घूमना है, फिर हमको नीम करौली बाबा के लिए भी निकलना है, तो जल्दी जल्दी सो जाते हैं भाई। तो वीडियो कहीं खत्म करते हैं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं आराम से करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।